करनाल लोकसभा सीट भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया ने रविवार को इंद्री हलके के दर्जन भर गांव में भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। इस अवसर पर उनके साथ इंद्री हलके के विधायक एवं राज्य मंत्री उनके साथ मौजूद थे। लोगों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया गया। जगह जगह लोगों ने भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत किया तथा उन्हें वोट देने का भरोसा दिलाया। करनाल लोकसभा के प्रत्याशी संजय भाटिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश का बच्चा बच्चा जाति पाति धर्म के ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में एकजुट हो चुका है। लोग भाजपा को न केवल वोट देने का भरोसा दिला रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में नौकरियां बेची जाती थी लेकिन भाजपा राज में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। अब गरीब का बच्चा भी अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहा है जिस कारण जनता में सरकार की जबरदस्त प्रशंसा हो रही है। राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि भाजपा के नेता अच्छे बयानबाजी नहीं करते। इस तरह की बयानबाजी भाजपा विरोधी दलों के लोग हार के डर से बौखलाहट में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यदि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाए तो राजनीति के मायने बदल जाएंगे क्योंकि धर्म कोई मजहब नहीं। और क्या कुछ कहा खुद ही सुन लीजिए। हमारा 20 गांव का दौरा है और अब ये चुनाव जो है ना एक तूफान का रूप ले चुका है। अब ये चुनाव पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं रह गया। हर बच्चा हर जो नौजवान हर जो है ना वोटर आज इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके अपने आप ही वोट मांगता फिर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये चुनाव जो है ना आम जनता अपने आप लड़ रही है। जहाँ भी जिस भी गांव में जाते हैं कटाई के इस सीजन के ऊपर जहाँ कहीं भी गांव में कोई बच्चा भी दिखाई नहीं देता इतना जनसलैब उमड़ करके आ रहा है कि लोगों में इतना जोश है फिर से नरेंद्र मोदी जी जो है ना इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो सब लोग जो है ना अपनी एक अहम भूमिका इस चुनाव में अदा कर रहे हैं और अपने आप ही जो है ना वोट मांगते फिर रहे हैं। तो ये जन जन का चुनाव बन चुका है। ये पार्टी का कार्यकर्ताओं का चुनाव नहीं रहा। हर वक्त इसमें इन्वॉल्व होकर के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने प्रत्याशी के लिए जो है ना वोट मांग रहा है। देखिए हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी नेता कोई इस प्रकार का बयान नहीं देगा। जो अच्छे हरकतें करने वाले कुछ इस प्रकार के दल हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है वो इस प्रकार की जो है बयानबाजी करते हैं जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है ना जनता स्वयं दे देती है। किसी को उनका जवाब देने की जरूरत नहीं। जनता उनका जवाब खुद ही दे देती है और आने वाले चुनाव में भी जनता उनको जो उनका हाल करने वाली है तो सब जो है ना सब इस बात को समझते हैं। राजनीति से अगर धर्म निकाल दिया ना धर्म किसको कहते हैं सच्चाई को कहते हैं। अगर राजनीति से आप सच्चाई को निकाल दोगे तो राजनीति क्या रह जाएगी। इसलिए सच्ची राजनीति करना धर्म पर आधारित। धर्म क्या कहते हैं कर्तव्य को कहते हैं। अपने जो हमारा कर्तव्य होता है वो हमारा धर्म होता है उसी को कहते हैं भाई ये धर्म। धर्म कोई ये मजहब की बात नहीं होती कि मजहब के नाम पर। मजहब अलग बात है धर्म अलग बात है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो महाभारत हुआ था वो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था और जीत उसमें धर्म की हुई थी। हमेशा धर्म की जीत हुई है और इस चुनाव में भी जो है ना वो धर्म की जीत होगी सत्य की जीत होगी। नरेंद्र मोदी जी इसके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अन्ना जो है ना कल भी हमारे हरियाणा के अंदर दो रैक लगे हैं दो ट्रेनें आई हैं और आज जो है ना सारी स्थिति बिल्कुल जो है ना कंट्रोल में है। और भी बाई रोड भी जो है ना काफ़ी बारदान आया हुआ है। अब की बार कुंभ का मेला लगने की वजह से कुछ रेलवे की मूवमेंट कम रही है जिसकी वजह से मैं मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि बारदाना थोड़ा कम आया। अब जो है ना बम्पर फसल हुई है जिस खेत में से 20 क्विंटल होती थी आज उसमें से 30-30 क्विंटल हो रही है। यानी कि बम्पर फसल होने की वजह से और अब जो है ना सारी तरह से जो है ना स्थिति कंट्रोल में और कहीं भी बारदाने की कोई समस्या नहीं है और बारदाना सभी जगह पहुँचा करके किसानों को एक एक दाना जो है ना वो खरीदा जाए। जो है ना जो जिनके लिफ्टिंग हो रही है क्योंकि पहले क्या था हम जो पेमेंट करते थे ना उस पेमेंट का दुरुपयोग होता था। कुछ लोग जो है ना गलत बिलिंग करा करके और पेमेंट लेकर के बाहर से ट्रेडिंग करना शुरू कर देते थे। अब की बारी इस प्रकार से जो है ना जो हमारे आई फार्म जमा होते हैं हम जो है ना सारी की सारी पेमेंट करते हैं और जितने भी जल्दी से जल्दी जो लिफ्टिंग कराएगा गोडाउन में अपने अनाज को भेजेगा साथ के साथ जो है ना पेमेंट ले। आपके सामने है ब्याणा गाँव के अंदर आप कुर्सी भी कम पड़ गई पंडाल भी कम पड़ गया कितना उत्साह था और लोग में कोई घर का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पर उपस्थित ना हो और हमारे से ज़्यादा मैं समझता हूँ एक प्रत्याशी से ज़्यादा और प्रत्याशी की पार्टी से ज़्यादा आम समाज 36 बरादरी
पार्टी पॉलिटिक्स को भी छोड़कर सब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं। सारे बैरियर्स खत्म हो गए, कास्ट बैरियर्स, पार्टी बैरियर्स, हर आदमी पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच, आगे जो सरपंच बनने की इच्छा रखता है, ऐसे सब लोग गांव की राजनीति से भी ऊपर उठकर लोगों ने आज मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया। कारण जग जाहिर है, आज हिंदुस्तान को दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में ला दिया। दूसरे आज अमेरिका, और मैं कहता हूँ कई मामलों में तो चाइना से भी आगे हो गया, कई मामलों में अमेरिका से भी आगे हो गया, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए गौरव है नरेंद्र मोदी। और आज दुनिया भी लोहा मानती है कि भारत के नेता नहीं रहे, आज पूरी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी बन गए। धारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और जो बाकी पार्टियों के नेता हैं वो बहुत सीनियर हैं, उनका अनुभव, उनके परिवार का अनुभव, उनको राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी है। वो जो बाकी दो तीन लड़ रहे हैं, कई दलों के गठबंधन हैं, उनका आपस में अच्छा मुकाबला चल रहा है। हमारे नेता हैं, हमारे लिए गौरव का विषय है, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है, तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मोदी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गौरव का विषय है। जिस प्रकार से नौकरियां पहले बेची जाती थी, आज गरीब के घर में जिस प्रकार से बिना पैसे के नौकरी गई है, आज लोग हरियाणा का भी सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व आज तक का मनोहर लाल जी को मानते हैं।